बैन से डरे पेटीएम और शाओमी का फ्रॉड। पेटीएम शाओमी का है तगड़ा चीन कनेक्शन, फिर भी भारतीयों को बना रही है बेवकूफ। 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना के बीच हुई खूनी झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों ही देशों की सेनाएं सरहद पर साजो सामान जमा कर रही हैं। इससे पहले कि चीन कुछ कर पाता, भारत ने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक सेना वाली नहीं थी, बल्कि ये चीन के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक थी। इसमें सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप्स को बैन का सामना करना पड़ा है, उनमें शेयर इट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट समेत कुल 59 ऐप्स भी शामिल हैं। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार उन 59 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा चुकी है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वग्रहपूर्ण थे। भारत के इस फैसले से चीन को काफी बड़ी आर्थिक चोट लगी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। हाल ही में ये ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है। हालांकि ये सभी ऐप चीन की थीं और इन पर भारत का डेटा चुराने का आरोप है। हालांकि अभी इस कार्रवाई से मनी ट्रांसफर ऐप पेटीएम और चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी शाओमी बच गए हैं, लेकिन इन दोनों में भी चीन ने बड़ा निवेश कर रखा है। शाओमी तो चीनी कंपनी है जबकि पेटीएम भारतीय कंपनी है, लेकिन इसमें चीन ने बड़ा हिस्सा निवेश किया हुआ है। हालांकि भारत सरकार की इन पर अभी टेढ़ी नजर नहीं पड़ी है। हालांकि पेटीएम को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। विपक्ष के साथ ही जनता भी पूछ रही है कि आखिर पेटीएम को बैन क्यों नहीं किया गया है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पेटीएम और शाओमी कंपनी के बारे में बताने वाले हैं जो खुद को भारतीय होने का दावा करते हैं, लेकिन सच ये है कि इन दोनों में चीन का जबरदस्त निवेश है। पेटीएम को बैन करने की उठी मांग। चीन के खिलाफ जारी विरोध का असर पेटीएम पर भी पड़ा है। दरअसल भले ही पेटीएम भारतीय ऐप हो और इसके फाउंडर भी भारतीय हों, लेकिन इसमें चीनी कंपनी अलीबाबा का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अलीबाबा जैक मा की कंपनी है जो यूसी ब्राउजर के भी मालिक हैं और यूसी ब्राउजर को भी बैन किया गया है। ऐसे में चीन के साथ हिंसक झड़प के बाद से बायकॉट पेटीएम की मांग अब तेज हो गई है। वहीं पेटीएम के खिलाफ बैन की मांग को बढ़ता देख इसके मालिक ने सरकार की तरफ से 59 ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंध पर अपनी खुशी जाहिर की है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा कि राष्ट्रहित में ये एक बड़ा फैसला है जो देश में आत्मनिर्भर ऐप को बढ़ावा देगा। यही वक्त है कि भारत के यंग स्टार्टअप शुरू करने वाले शानदार मोबाइल ऐप्स बनाएं। आगे उन्होंने लिखा है कि ये है भारत की डिजिटल क्रांति, आत्मनिर्भर भारत। विजय शेखर के इस ट्वीट को देखकर लगता है कि वो चाइनीज ऐप पर बैन लगने से काफी खुश हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि विजय शेखर की कंपनी में खुद चाइना की कंपनी ने निवेश कर रखा है और इन ऐप्स के साथ ही पेटीएम पर भी बैन लगना चाहिए। आपको बता दें कि पेटीएम भारत का ऐसा देसी ऐप है जिसने काफ़ी कम समय में हर मोबाइल फ़ोन में अपनी पकड़ बना ली है। पेटीएम पर बैन करने को लेकर विपक्ष भी सरकार से सवाल कर रहा है। कई लोकप्रिय ऐप्स के बैन किए जाने के बाद अब विपक्षी पार्टी के नेताओं ने पेटीएम बैन किए जाने की मांग की है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने जहां 59 ऐप्स के बैन पर सरकार का स्वागत किया है, तो वहीं उन्होंने पीएम मोदी से पेटीएम बैन करने की मांग की है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ट्वीट किया है कि कुछ चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के इस साहसिक कदम का मैं स्वागत करता हूं। अब पीएम मोदी को अपना 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए और पेटीएम को बैन करना चाहिए जिसमें बड़े पैमाने पर चीनी निवेश है। समय वहां अपना पैसा लगाने का है जहां आपका सब कुछ हो। पेटीएम में चीन ने कर रखा है भारी भरकम निवेश। दरअसल पेटीएम पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से आगे बढ़ी है। पेटीएम में 40% निवेश चीनी कंपनी अलीबाबा का है, जबकि भारत में इसके करीब 15 करोड़ यूजर्स हैं।
नोटबंदी के समय इस ऐप ने जमकर पैसा कमाया था और इसी समय इसके यूजर्स में भी काफी बढ़ोतरी हुई थी। आज भी ये ऐप भारत में सबसे ज्यादा पैसों के लेन देन के लिए इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो ये ऐप पूरी तरह से भारतीय है, लेकिन इसमें चीनी निवेश की वजह से ये अब लोगों के निशाने पर है और तेजी से इसे भी बैन करने की मांग उठ रही है। बायकॉट से बचने के लिए शाओमी की रणनीति। बैन के डर से शाओमी बनी मेड इन इंडिया। भारत ने 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन क्या लगाया कि चीनी कंपनी शाओमी ने खुद को मेड इन इंडिया बता दिया। इतना ही नहीं, उसने देश में मौजूद अपने सभी स्टोर पर लोगो छुपाकर मेड इन इंडिया का लगा दिया। शाओमी भारत की नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी है। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की वजह से देश में चीनी सामानों के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा डर उन चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को लग रहा है जिन्होंने भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर कब्जा कर रखा है। भारत में शाओमी के MD मनु जैन कहते हैं कि इस बहिष्कार की भावना ने ना तो अब तक कंपनी के बिजनेस को प्रभावित किया है और न ही आने वाले समय में इसका कंपनी के बिजनेस पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। मनु जैन कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक भीड़ की मानसिकता, गुस्सा देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये सब कंपनी के बिजनेस को प्रभावित नहीं करेगा। वो कहते हैं कि उनकी कंपनी चीनी होने से कहीं अधिक भारतीय है। अब तक शाओमी कंपनी खुद को चाइना की कंपनी बताती थी, लेकिन भारत में चीनी सामानों पर बैन लगने से ये कंपनी इतनी डर गई कि खुद को भारतीय घोषित कर दिया। बैन से बचने के लिए कंपनी ने चली चाल। दरअसल शाओमी पर भी भारत में खतरा मंडरा रहा है। चीन की हरकतों की वजह से भारत में लोग चीनी सामानों को बैन करने का सरकार पर दबाव बना रहे हैं और शायद इसी कड़ी में सरकार ने चीन की 59 ऐप्स को बंद करके चीन को कड़ा संदेश भी दिया है। ऐसे में शाओमी को डर है कि कहीं उसकी दुकान भी भारत में बंद ना हो जाए, इसलिए अब कंपनी धोखाधड़ी पर उतर आई है। जरा समझिए, कंपनी के MD कहते हैं कि यहाँ बनने वाले कंपनी के सभी स्मार्टफोन और स्मार्ट TV में औसतन 65% कॉम्पोनेंट लोकल मार्केट के होते हैं। इसकी लीडरशिप भी पूरी तरह से लोकल है और इसने करीब 50,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। साथ ही MD ने यह भी कहा कि भारतीयों का 100% डेटा भारत में ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शाओमी ने अपना सर्वर भारत में लगा रखा है, और दूसरा ये कि वो अपने मोबाइल में जिन चाइनीज ऐप्स को इनबिल्ट लगा कर देती है, क्या उन ऐप्स का सर्वर भी भारत में है? तो इन सवालों का एक ही जवाब है, नहीं। दरअसल सरकार के 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने का मकसद यही है कि ये ऐप्स भारत के लोगों का डेटा चीन के सर्वर में जमा कर रही हैं, और शाओमी के MD मनु जैन केवल इसलिए कंपनी को भारतीय साबित करने में जुटे हैं कि कहीं जनता उनकी कंपनी के मोबाइल का बहिष्कार न कर दे और उन्हें अपनी दुकान बंद करके वापस न जाना पड़े। दरअसल भारत के मोबाइल बाजार पर चीन का 70% कब्जा है, उसमें सबसे ज्यादा शाओमी का है। इसके अलावा ओप्पो और वीवो कंपनी के मोबाइल भी सबसे ज्यादा बिकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि भारत इन कंपनियों की दुकानों को बंद कर दे। अगर ऐसा होता है तो ये चीन के लिए एक बड़ा झटका होगा।